बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एसवी दफशा। क्लास 7 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज फार्मूला टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 25a² - 10a + 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1/5। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, अब आप देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो दिया गया 25a² - 10a+1, ठीक है, आपने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे? माइनस का फार्मूला, a - b² = a² - 2ab + b², ठीक है। अब इसके मुताबिक हम अपनी जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसमें चूज करेंगे कि हमारा ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा। ए जो फर्स्ट टर्म दी गई है ना आपको, आपने इसको 5a लिखना है, उसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आपका 25a² बन जाएगा। मतलब ये ए आपका आ गया है। बी आपने लास्ट वाला डिजिट जो है वो आपका बी होगा, तो आप यहाँ पर लिख लें +b², ठीक है। लास्ट पे ये लिखने से ना आपको आसानी हो जाती है कि दरमियान में वाली जो दोनों रकमें हैं वो आप इजीली पुट कर सकते हैं। a² ये हो गया है -2a, a आपने 5a चूज किया है, b आपका 1 है, ठीक है। अब आप इनको ओपन करके भी देख सकते हैं कि आपका क्या बनता है। ये देखें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, साथ में a² ये बन गया, 5 2 10, साथ में a ये ऊपर वाली टर्म बन गई है, 1² तो 1 के इक्वल ही होता है, तो ये 1 बन गया है, ठीक है। आपका कौन सा फार्मूला बन गया? ये 5a - 1² होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि जहां पे आपको a दिया गया है, ठीक है, वहां पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 5 लिख के a की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है 1/5 ये मैं लिख दूंगी, 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन साथ, -1 होल स्क्वायर। 5 को 5 से कट कर दें, ठीक है, आपका बचेगा 1 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 1 में से 1 निकालें, आपका 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों, क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट है वो है 4 a + b होल स्क्वायर - 20a + b, ठीक है, +25। आप देखिए, इस पे भी आपने फार्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ऐसी चेंजिंग जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में चला जाएगा। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम इसको a + b को सपोज कर लेते हैं कि यह हमारा x के इक्वल है, ठीक है। हमने a + b को x के इक्वल सपोज कर लिया है। अब जहाँ पे आपका a + b है वहाँ पे अब आपने x को पुट कर देना है, ठीक है। आपने कैसे पुट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 4a + b होल स्क्वायर है, तो आप x लिख के उसका स्क्वायर लिखें, -20a + b के साथ x लिख दें, +25, ठीक है। फिर आप क्या करें कि 4x² - 20x + 25। अब आप देखें कि ये अब आपका इजीली एक फार्मूला बन गया है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला बना है? ये आपका बना है a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने अमाउंट्स को पुट करना है। a² आप ये आपकी जो टर्म है ना, आपने इसको a बनाना है और इस टर्म को आपने b बनाना है, a² तो 4x² को मैं कैसे लिखूंगी, 2x होल स्क्वायर - 2a, a हमारा 2x आ जाएगा, b हमारा ये 25 है ना, इसको हमने 5 कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट में +b² 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे आपके ऊपर वाली तमाम रकमें बन रही हैं कि नहीं। 2x को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² ये बन गया, 2 2 4 4 5 20, साथ में x ये टर्म बन गई, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आपका ये टर्म बन गई, ठीक है। आपका मतलब फार्मूला आपने बिल्कुल सही पुट किया है।
अब ये आपका बन गया 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, आपने x किस चीज़ के इक्वल पुट किया था, आप ऊपर चल के देखें, आपने a प्लस बी के इक्वल पुट किया था। वापस a प्लस बी यहाँ पे लिख दें, 2x की जगह पे a प्लस बी, साथ में माइनस 5 और होल स्क्वायर। ठीक है, 2 लिख के अब a प्लस बी की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ऊपर दी गई थी, ऊपर देखें a हमारा 2 दिया गया था, b हमारा 1 दिया गया था, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, a हमारा 2 और b हमारा 1, माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 में प्लस 1 करें आपका 3 आ जाएगा, माइनस 5 होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपने सोचना होता है, इजी वे में सॉल्व करना होता है, तो मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। 2 3 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 6 में से 5 आपने माइनस करना है, 1 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट है, 36 एल एम एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 48 एन इंटू एल प्लस एम प्लस 16 एन स्क्वायर, और आपको एल एम और एन की वैल्यूज दी गई हैं। एल की वैल्यू आपको दी गई 1/2, एम की वैल्यू दी गई 1/3 और एन की वैल्यू दी गई है 1/4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका बच्चा सॉल्यूशन स्टार्ट हमने करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में आप देखें कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम पेश आएगा कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है, एल प्लस एम स्क्वेयर प्रॉब्लम में पेश आएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में की थी। आप ये जो एल प्लस एम है इसको आप सपोज कर लें, कंसिडर कर लें कि ये आपका इक्वल टू एक्स है। ठीक है, एल प्लस एम इक्वल टू एक्स है। अब जहाँ पे इक्वेशन में l प्लस एम है वहाँ पे आप x पुट कर दें। ठीक है, 36 l प्लस एम स्क्वेयर है तो मतलब x है, x का स्क्वेयर लिख दें, माइनस 48 n l प्लस एम की जगह पे आप क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस 16 n स्क्वेयर। अब ये आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस पे आप लगाएंगे फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने चूज करनी है वैल्यूज। ये आपका आपने फर्स्ट टर्म को ए बनाना है और लास्ट टर्म को आपने बी बनाना है। 36 एक्स स्क्वेयर को, ठीक है, आप क्या ले सकते हैं, 6x होल स्क्वेयर। ठीक है, माइनस, अब आप लास्ट वाले टर्म को देखें, 16 एन स्क्वेयर है, इसको क्या ले सकते हैं, 4n स्क्वेयर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस 2a, a हमने क्या चूज किया था, 6x, b हमारा क्या था, 4n। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लें कि ऊपर वाली तमाम रकमें बन रही हैं कि नहीं। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, और x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, 36x स्क्वेयर ये बन गया। 6 को 2 से करें 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, साथ में nx आ जाएगा, आपका ये बन गया। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, एन को एन से करें तो एन स्क्वेयर आ जाएगा। मतलब आपने बिल्कुल सही सारी वैल्यूज को पुट किया है। फार्मूला अब आपका बन गया है 6x माइनस 4n होल स्क्वेयर। ठीक है, अब जैसे बच्चों मैंने पिछले स्टेप में किया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था कि x की वैल्यू हमने वापस लगानी होती है 6 लिखने के बाद। x जो हमने सपोज किया था वो किया था l प्लस एम। ठीक है, l प्लस एम जो है वो x के इक्वल है। अब यहाँ पे x है, मैं इसकी जगह पे वापस क्या लिख दूंगी, l प्लस एम माइनस 4n और होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 लिखने के बाद ब्रैकेट में l प्लस एम, l प्लस एम की हमने जो l की m की और n की वैल्यूज थी ना ऊपर दी गई क्वेश्चन में, आप ऊपर देखें क्वेश्चन की तरफ, आपको l दिया गया था 1/2, m दिया गया था 1/3, n दिया गया था 1/4, तीनों वैल्यूज को आप इसमें पुट करेंगे। L की जगह पे मैं लिख दूंगी 1/2 प्लस m की जगह पे 1/3, ठीक है, माइनस 4, n की जगह पे क्या लिख दूंगी, 1/4, और तमाम अमाउंट्स का हमने होल स्क्वायर ले लिया है। अब आप देखें क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 2n3 है, 2n3 का एलसीएम क्या आ जाता है, 6। ठीक है,
सिक्स को आप अंदर रखेंगे, टू के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आपका थ्री आ जाएगा, थ्री को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थ्री ही आएगा। थ्री को, ठीक है, थ्री टू ज़ार सिक्स, टू को वन से मल्टीप्लाई करें टू आ जाएगा। माइनस फोर को फोर से कट करें, वन आ गया। होल स्केयर हमारा ये चलता आ रहा है। अब सिक्स, थ्री में टू को ऐड करें फाइव, नीचे आ गया सिक्स माइनस वन होल स्केयर। ठीक है, अब आप क्या करें, सिक्स को सिक्स के साथ कट कर दें तो आपका बचेगा फाइव माइनस वन होल स्केयर। फाइव में से वन आप माइनस कर दें तो आपको बचेगा फोर, ठीक है, और इसका स्केयर। फोर को फोर से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा सिक्सटीन। और यही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है।